तो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त है हम निगोम्बो में और आज है हमारा श्रीलंका ट्रिप का दूसरा दिन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से आप कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस, वीज़ा की फॉर्मेलिटी और करेंसी चेंज करवा करके सिम ले करके पहुंच सकते हैं श्रीलंका। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस ट्रिप पे एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ है मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस ट्रिप पर मैं अपने एक पाकिस्तानी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ जिनका नाम है बिलाल आजम। उनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा अगले एपिसोड में। ये ट्रिप कई मायनों में अनोखा बहुत थ्रिलिंग होने वाला है क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी एक साथ ट्रैवल करेंगे श्रीलंका में, तो आपके लिए देखने को बहुत कुछ होगा। मेरे लिए भी भाई तो भी बहुत कुछ होने वाला है और आई एम श्योर बिलाल भाई के लिए भी। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, हम दोनों एयरपोर्ट पे मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। यहाँ पर आपको श्रीलंका का पहला इंप्रेशन देखने को मिलेगा कि श्रीलंकन लोग टूरिस्ट को किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहला नज़ारा शहर का। एयरपोर्ट के बाहर निकल के आते हो ना, तो बाहर जो ऑटो खड़े हैं, सलाह ये है कि उनसे आप रेट पूछोगे तो बहुत ज़्यादा ही बोलेंगे। अभी बिलाल भाई ने पूछ लिया था अंदर आर्मी वाले से, वी सेड हमें 200 उसने बोला ना, पहले 200 बोला उसने, हाँ लोकल ने, यस। और बाहर आके ये ऑटो वाला बोलता है 2500 रुपीज़, और वो भी कहाँ तक है, फोर्ट तक जाने के लिए। तो थोड़ा दूर चल के पैदल इनसे दूर पहुँच जाओ और फिर जा कर के आपको सस्ते में मिल जाने के चांसेस है। आई होप सो कि पहुँच गए। कितना लेके चलोगे? ये नहीं, 5 मैम, यू तो नो क्ल्यू, जस्ट वॉकिंग। एयरपोर्ट से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद पहुँच चुके हैं इस बस स्टैंड पे, और यहाँ से हम फोर्ट के लिए, कोलंबो फोर्ट के लिए बस लेंगे। वहाँ से फिर एक और बस लेकर के आगे पहुँचना है जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। 187 बस नंबर है, पूछते हैं कौन सी जाएगी उस तरफ। सीट है इसमें, ये मेरी गरीब बस है। किधर खड़े होके जाना है? सेंटर से। अच्छा, बस नंबर खो गया है, समझ नहीं आ रहा 125 है, कहाँ आएगी, कौन सी जाएगी। ये बस जो खड़ी है, आप इसी से पूछा तो कोई क्लू नहीं है। एक ही बस लेना है, कुछ चेंज तो नहीं करना। 103। तो रोड क्रॉस करके इस तरफ एक और बस स्टैंड है, कह रहे हैं कि हर 3 मिनट में बस चलेगी यहाँ से, यहाँ से बस मिलेगी 103 नंबर। 103 बिलाल को देखो बेचारे कितना सामान लेके चल रहा है। मेरे पास है सिर्फ ये 2 बैग। बस नंबर 103 Narahen Pita. Okay. From crossing these bus stops or on the way outside? Yes. On the outside and then.
बताओ फिर। समझ नहीं आ रहा, भागना पड़ रहा है। बस स्टॉप है, इस जगह को बोलेंगे कोलंबो फोर्ट, और यहाँ बस स्टैंड से हम ढूंढ रहे हैं बस नंबर 103। मैंने बड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन कर ली है, हर 100 रुपये के लिए 40 इंडिया के मोटा मोटा, हाँ, और हर 10 रुपये के लिए 4 रुपये इंडिया के, तब कन्वर्जन आसान हो जाएगा। छोटी यूनिट में ब्रेक कर लिया मैंने। बिलाल, बिलाल वो खड़ी है, बिलाल सामने खड़ी है, आ जाओ, गोरी 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 आ जाओ। NARACNPITA नारायण की तरफ फोर्ट से चलेगी नारायण की तरफ। गर्मी से बुरा हाल है, अभी बस में तो बैठ गए हैं, पहुँचने गए, देखते हैं कितनी देर में पहुँचाएगा। 55 बताना जब आएगा ना, यू टेल अस दिस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक कुछ करके आ तो रहे हैं, क्या कहानी है कुछ बना ये बात कर रहा हूँ। श्रीलंका को आप गर्म देश कह सकते हो, यहाँ ठंड वन तो होती नहीं होगी, इतनी गर्म ही रहता होगा। सामने जो लाल ऑटो खड़ा है उस पर बात चल रही है, मैप पे दिखाया जा रहा है। बताओ कितना लोगे भाई? 1000। श्रीलंका में भी ओला उबर जैसे कंपनियों को आ जाना चाहिए, ये सब निगोशिएशन ज़्यादा रेट डिमांड करना ख़त्म हो जाएगा, जैसे चंडीगढ़ और बाकी जगह पे हो गया। ये बहुत बुरी बात है, आप किसी का फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है, जो पता है कि 10 किलोमीटर दूर है, 900 किस हिसाब से ले रहे हैं, तो गलत है ये कहानी, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हर जगह पर इस कंपटीशन खड़ा करो, रेट उठेगा। अपने भूल भुलैया मूवी देखी है? दुनिया के फूल फुलैया पाते हैं भूल, वो वाली, वही वाली। और उसमें एंट्री कैसे होती है हीरो की, अक्षय कुमार की, ऐसे वाली? अरे मैं वही वही वाली ऑटो पे आता है। अच्छा वो, अच्छा नहीं वो नहीं। और ऑटो का बिल पता है कितना देता है? 20,000 रुपीज ऑटो वाले को, क्योंकि वो कई 100 किलोमीटर से ऑटो पे आ रहा होता है। आज हमने वैसे ही नहीं किया, देखा जाए तो कितने किलोमीटर बने थे? 45। हाँ 45 किलोमीटर हम ऑटो में आए हैं, और हमने 3,750 रुपीज़ पे किया है। 3745 था ना? अच्छा हाँ, 3745 रुपये, 3745 रुपी पे किया है उस भाई को। कहता पूरे दिन की दिहाड़ी एक सवारी ने निकाल दी, ऐसा ही था उसके लिए। यहाँ की करेंसी के हिसाब से एक ही सवारी उसको 40 किलोमीटर कभी ऑटो लेके गए। ऑटो जनरली होता है लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम तो एक शहर से दूसरे शहर में आए हैं ना, टोटल अगर वैसे हम जाते तो बस पे आते तो ऑब्वियसली इतने पैसे ना लगते, मैक्सिमम हमारा दोनों का 1000 लग जाता ना। मसला ये था कि हमें 5 घंटे लग जाते थे आने जाने में, जितनी ट्रैफिक लॉन्ग थी, और ये बंद हो जाती और ये बंद हो जाती, तो सिर्फ इस वजह से हम आए। वोट है जर्नी यार, मैं तो सो गया था, सोते सोते पहुँचा हूँ, इतना लंबा सफर था। प्यास शदीद लग रही है मुझे, और दिल कर रहा है मैं एक और कॉफी का। चलो अब लेते हैं गाड़ी, देखते हैं क्या बनता है, अपडेट करेंगे थोड़ी देर में। टेस्ट राइड लेकर के पहुँच गया भाई अपना वापस। तो जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये है bikerent.com के नाम से, श्रीलंका bikerent.com और वेगा मोटर्स के नाम से इस बाइक की कंपनी है, नाम है दिलशान। वी आर हियर
for the bike on rent. Bilal abhi confused hai between a scooter and a bike. Bike pe thoda sa comfortable nahi hai gear system ko leke, isliye soch raha hai kya kare. Dekhte hain kya hota hai. पहली बार Uber यूज कर रहे हैं, आप भी Uber की एप्लीकेशन डाउनलोड करके लोकल नंबर लेकर के यूज कर सकते हैं, इनके आना जाना हो और भटकना ना पड़े, लोगों को एड्रेस समझाना ना पड़े, पिकअप लोकेशन ना बताना पड़े, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी. Uber यहाँ पर है, Uber Eats सर्विस भी है. अच्छा, ऑटो टू व्हीलर्स यानी कि क्या बोलते हैं बाइक और साथ में कार, ये तीनों सर्विस अवेलेबल है. अभी हमने ऑटो बुक किया है. तो भाई अपने यहाँ आजकल चल रहा है पावर कट, 3 hours राइट, दैट्स व्हाट यू सेड, 3 hours, 5 hours इन द मॉर्निंग एंड 2 hours इन द नाइट. तो दिस इज 2 hours वन विच हैड स्टार्टेड, दो घंटे वाला पावर कट शुरू हुआ है. ऐसे एंट्री हो रही है, देखो अब करो अंधेरे में. बिलाल आजम हो गया, हम तो आदी हैं पाकिस्तान में. तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारी इस दफ़ा तो 2 साल से या 1.5 साल से ख़त्म हो गया. पिछले 5-6 साल हमने बहुत बुरे गुजारे हैं ऐसे. नहीं अपने वहाँ तो बढ़िया चल रहा है, नो पावर कट्स. ये क्या है पासपोर्ट नंबर, ये मुझे देखना पड़ेगा, आई डोंट रिमेम्बर.